अपने ही कटेगा चालान अगर आपका फ़ोन में है एम परिवहन। जी हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ऐप है। यहाँ पर आप अपने DL और अपने RC का वर्चुअल कॉपी रख सकते हैं। चेक इन के दौरान ये आप देखा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपना पर्स भूल के चला गया और वहाँ जाकर ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर चालान भरना ही पड़ता है। लेकिन आपका मोबाइल में अगर ये ऐप मौजूद है तो आपका नहीं कटेगा चालान। यहाँ पर एक QR कोड दिया जाता है, आप जब वर्चुअल कॉपी क्रिएट करोगे तब एक QR कोड दिया जाता है। वो QR कोड आप ट्रैफिक पुलिस को शो करोगे, वो अपना डिवाइस से इसको स्कैन करेगा। स्कैन करते ही उसका डिवाइस में आपका पूरा डिटेल्स चला जाएगा और आपका चालान नहीं कटेगा। तो देखते रहिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको वर्चुअल कॉपी कैसे बनाना है और RC का भी वर्चुअल कॉपी कैसे बनाना है, दोनों का डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, देखिए या सर्च बार में लिख दीजिए एम परिवहन। ये देखिए मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है, यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं आप। यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद इसको हटा दीजिए। यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है, इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है। मैं अपना मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेता हूँ। तो गाइस नंबर डालने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए कंटिन्यू लिखा है, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका OTP भेजा जाएगा आपके नंबर पर, वो OTP यहाँ पर फिल करके, देखिए मेरा OTP आ गया है, डाल देता हूँ। यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है, उसके बाद ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप किसी का गाड़ी का नंबर डाल के चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड का गाड़ी नंबर डाल के चेक कर रहा हूँ। गाइस नंबर डालने के बाद ऊपर में देखिए सर्च का आइकन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। करते ही देखिए मेरा RC ओपन हो गया है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, RC एक्टिव है या नहीं, उसके बाद बहुत कुछ सारा ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखिए आप इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब DL का देखते हैं, RC का तो देख लिया आप। यहाँ पर देखिए DL ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम पहले की तरह यहाँ पर भी अपना DL नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं DL नंबर डाल रहा हूँ, देख सकते हैं आप। डालने के बाद गाइस ऊपर में सर्च का जो आइकन है वहाँ पर क्लिक करना है, देखिए मैं क्लिक कर चुका हूँ, देखिए पूरा डिटेल्स आ चुका है, RC एक्टिव है, दिखा रहा है ग्रीन कलर में देखिए यहाँ पर। उसके बाद RC का फुल डिटेल्स यहाँ पर है, इशू डेट, एक्सपायर डेट सब यहाँ पर शो होता है। कॉर्नर में आप देख सकते हैं फ़ोटो भी दिखा रहा है, नीचे भी दिखा रहा है फ़ोटो में, ब्लर करके रखा है थोड़ा सा। लाइसेंस क्लास क्या है देखिए यहाँ पर LMB MCWG दोनों का है। आप गाइस यहाँ पर देखिए एड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल DL, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ वो डालना है यहाँ पर, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा गलत हो गया, मैं फिर से दोबारा डालता हूँ। हो गया, अभी वेरीफाई पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है गो टू डैशबोर्ड टू चेक योर डिटेल्स, ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप बैक आ जाइए, यहाँ पर देखिए अपना वर्चुअल कॉपी हो गया है, यहाँ पर QR कोड दिया गया है, नीचे अपना डिटेल्स है और ये नीचे कॉर्नर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो गया सक्सेसफुल, यहाँ भी ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, देखिए QR कोड शो हो रहा है।
सो गाइज, इसी तरह आप अपने मोबाइल में अपने RC और अपने DL को रख सकते हैं। आफ्टर देन आप चाहे तो ये डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर आइकन है डिलीट का, यहाँ पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।